इसके बाद ना इन्हें मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे इनसे कुछ चाहिए. सो लेट्स ट्राई टू सी द रीजंस. एक तरफ हम वो रीजंस लिख देते हैं, दूसरी तरफ हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को शायद टच नहीं करते. और बाय द वे, व्हाट इफ आई वांट हिम टू से गुड वर्ड्स अबाउट मी. जब ये यहां से चले जाते हैं कि ये आमिर साहब बड़े फिट बंदे थे, बहुत अच्छे ट्रेनर थे, बहुत अच्छे यू नो काइंड हार्टेड साहब हैं. And say if he works with me, I am his manager also. I want him to go in the tea lounge and also talk good words about me. ये चीज मेरे पास आ सकती है? ये तो अब intangible. I want his good opinion about me. ये तो मुझे almost infinitely weak कर देगी. If I want this from him, something intangible, this is making me infinitely weak. Why I'm saying, I'm giving this example is because of the relationship of giving and taking. हम लोगों ने अपनी बहुत सारी ऐसी चीजें link की हुई हैं अपनी security से, अपनी fulfillment, अपनी harmony in life से, जो कि हमारे control में नहीं है. And that's why we are always weak and we always are in a state of fear that we might not get the fear of loss. Right? Or the power by the other party to withhold either that opinion or that object or that money. That's making us weak. So, this is now expanding it from a person to person view to a person to the entire the entire surroundings of the person. And I think if we understand the person to person context, the remaining concept is the same. What we are saying is that there is a self, which is me, and I am surrounded by the rest of the world, which is the other. Anything that is coming from other to self, not in my control. Anything that I have to give to the other is in my control. I control what I give. I don't control what I get. I get it from others. The other means the totality of the rest of the world. And get up expectations. You expect others to give you. While if you are in a giving or a, we call it serving others mode, we can contribute. Nobody can stop us from making a contribution. I can contribute what I want. Right? Because this goes from me to the other. The person who is a getter, let's say, or who takes things, is focused on his needs. मेरी नीड्स क्या है, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई होनी है, ट्रेवल करनी है फ्रॉम अदर टूवर्ड्स हिम. द पर्सन हु इज अ गिवर, हु सर्व्स अदर, ही इज और शी इज फोकस्ड ऑन द वैल्यूज, व्हाटएवर इज द राइट थिंग दैट हैज टू बी डन, यू नो, एट दिस मोमेंट इन टाइम, व्हाटएवर इज द एप्रोप्रिएट थिंग टू बी डन एज पर द वैल्यूज, दैट हैज टू बी डन. एंड नोबडी कैन स्टॉप मी फॉर दिस, from this, because this is in my control. Human rights, you know, बहुत सारी campaigns चलती हैं rights पे, duties पे. कम ही campaigns मैंने देखी हैं जी के labour duties की भी एक तरीक चलाई जाए, because we are fundamentally, you know, takers. We want to get things from others. हम duties पे शायद movements नहीं चलाते या कैंपेन्स नहीं करते. होता क्या है, हम तो बात कर रहे हैं कि इधर अ पर्सन इज अ सर्वर, ही सर्व्स अदर्स, और ही इज अ टेकर, टेक्स फ्रॉम अदर्स. अटेंशन का कहां फोकस होता है जब हम गेटिंग से गिविंग मोड में आते हैं, नीड से हम वैल्यूज पे चले जाते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेशन पे चले जाते हैं, और राइट से ड्यूटीज पे चले जाते हैं. इम्पैक्ट क्या होता है,
जो भी हमने उस ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा समझा था। स्ट्रेंथ से वीकनेस की तरफ जाते हैं, सिक्योरिटी से इनसिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। इफ यू आर टेकिंग, वी आर इनसिक्योर बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। एक्चुअली हार्मनी से कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, एंड सिमिलरली फुलफिलमेंट नहीं होती, एम्प्टीनेस होती है। यू नो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम अदर अनलेस यू गेट दैट थिंग, यू आर नॉट हैविंग द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड कि हम एक तरफ तो अपने एक चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश की वजह यह है कि हम चार पांच चीजें अचीव करना चाहते हैं, और हमने वो सारी की सारी चीजें डिपेंड कर दी हैं ऐसी चीज पे विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। व्हाट इफ यू नो माय सिक्योरिटी, माय फुलफिलमेंट, माय पावर, द सेंस ऑफ पावर डिपेंड्स ऑन व्हाट आई गिव बैक टू अदर्स, व्हाट आई कंट्रोल, देन आई एम अ स्ट्रांग पर्सन। अब ये थोड़ी सी यू नो अभी हम बेसिक्स पे चले गए हैं, ह्यूमन बेसिक्स पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही ऊपर जाके फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे फिट इन हो जाती हैं, यही फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से भी लिंक अप हो जाती हैं, एंड सो ऑन। हम लीडर की बात कर रहे थे, आई विल हैव टू एक्चुअली रैप थिंग्स अप। थोड़ा सा आप लोगों का भी वैसे थोड़ा सा कसूर है, थोड़ा लेट शुरू किया, थोड़ी मेरी कोताही है कि मैं टॉपिक्स दैट आई लाइक आई थिंक उस पे वी शुड इनफ स्पेंड इनफ टाइम रादर देन जस्ट यू नो कंप्लीटिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्लाइड्स, राइट? वी कैन स्टिल स्किप एंड शेयर द स्लाइड विद यू लेटर, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, अगर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, अब ये आप लोगों की यू नो क्योंकि अब हमारे पास क्लासरूम सेशन नहीं है, तो आप लोगों ने अपने पास पॉइंट्स लिखे होंगे, यू नो योर लीडर, योर बॉस फ्रॉम द हेवन, इसमें क्या तकरीबन थीम्स कवर हो रही हैं? लेट्स से आई अज्यूम जस्ट टू मेक इट अ बिट फास्ट ट्रैक कि जी लिसंस, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, शुड बी फेयर, अप्रोचेबल, शुड बी इनकरेजिंग, गिव्स फीडबैक, इज एम्पैथेटिक, इज अ मेंटर, गिव्स यू डायरेक्शन वेयर टू मूव इन योर करियर, हेल्पफुल, gives you freedom to make decisions, you know, ताकि आप grow कर सकें, and so on. अब ये जो है, ये वो बंदा है जिसके लिए आपने कहा कि you will go extra mile for this person. This is what you said. ठीक है जी, अगर ये सारी चीजें होंगी तो we'll go extra mile for that person. Now my question is, इस तरह का जो आपने सारी चीजें लिखी थी या लेट से हमने एनालाइज किया, कैन दिस पर्सन बी बिहेवियरली हार्ड? अपने बिहेवियर में क्या ऐसा बंदा हार्ड हो सकता है? हु लिसंस, हु प्रोवाइड्स केयर, आल्सो गिव यू फ्रीडम, हैज हाई स्टैंडर्ड्स, कैन दिस पर्सन बी हार्ड इन हिज बिहेवियर? यस और नो? यस और नो? Yes, why not? If the person has high standards, he wants you to, you know, he wants you to grow in the organization. So sometimes he might give you, you know, some tough time. Walidain aulad ko bhi, walid aulad ke bete ke saath tough ho jate hain. Why? Because he has those high standards for him. Similarly, ek manager, ek leader, apne team member se. So behaviorally, this person can be hard. Okay, can this person be behaviorally soft as well? Right? Okay, now this was a person who with whom we wanted to work willingly. Now let's try to understand another person who is not the boss from